विद्यार्थियों आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दें, जो विद्यार्थी क्लास में अभी अभी आए हैं कृपया ध्यान दें, ठीक है। मोबाइल ऑफ कर लें एक घंटे, ठीक है, ताकि हम ज्यादा अच्छे से चर्चा कर सकें। पिछले दिनों कास्ट अकाउंट के बताया है, दो लेक्चर्स इसके बारे में हुए हैं फर्स्ट यूनिट के संदर्भ में, कि लागत लेखांकन हम क्यों पढ़ रहे हैं, लागत लेखांकन का क्या ऑब्जेक्ट है, और लागत लेखांकन करने से एक संस्था को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक था लागत तत्व, जिसे आपने रियल लेबर और एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस तीनों चीजें आपने पिछली क्लास में पढ़ी हैं, शायद आपने भी हमारे साथियों ने भी आपको पढ़ा दिया होगा। आज हम बात करेंगे सेकंड इकाई के अंतर्गत किस प्रकार से हम यूनिट कास्टिंग या जो इकाई लागत लेखांकन होता है उसका निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के पहले बहुत जरूरी है कि हम लागत के जो एलिमेंट्स थे, जो तत्व थे, उन तत्वों को आप जरूर एक बार दोहराएं, क्योंकि उसके आधार पर आगे की सारी चीजें हमारी निर्भर करेगी। इसमें देखिए, सबसे पहले यूनिट कास्टिंग के अंतर्गत आपको दो प्रकार की चीजें परीक्षा में पूछी जा सकती है, एक तो कास्टशीट हो सकता है और दूसरा हो सकता है आपका स्टेटमेंट ऑफ कास्ट। दोनों को आप नोट करें कि कास्टशीट और स्टेटमेंट ऑफ कास्ट में क्या अंतर है, कब हमें कास्टशीट बनाना होगी और कब हमें स्टेटमेंट ऑफ कास्ट बनाना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, जब सवाल में यदि स्पष्ट रूप से लिखा है कि कास्टशीट ही बनाना है तो हम कास्टशीट बनाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कास्ट पूछा गया तो हम स्टेटमेंट ऑफ कास्ट ही बनाएंगे। कास्टशीट के अंतर्गत होता क्या है कि इसमें प्रति इकाई लागत प्रति मद की अलग अलग निकाली जाती है। मतलब सीधी सी बात है, एक वस्तु के उत्पादन में कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा, कितना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुए, कितना डायरेक्ट मटेरियल लेबर की कास्ट आई, कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स है, कितने ऑफिस ओवरहेड्स हैं, कितने सेलिंग ओवरहेड्स हैं, इन सब की हमें प्रति इकाई लागत भी निकालना होती है कास्ट शीट के अंतर्गत। जबकि स्टेटमेंट ऑफ कास्ट के अंतर्गत हमें एक मद की अलग अलग कास्टिंग निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु यदि सवाल में ये लिखा हो कि स्टेटमेंट ऑफ कास्ट बनाइए और प्रति इकाई लागत भी निकालिए प्रति मद की, तो फिर हमें प्रति मद की प्रति इकाई लागत भी निकालना होगी। मतलब सीधी बात है, जब हम प्रति यूनिट कास्टिंग अलग अलग निकालेंगे हर मद की तो वो हो जाएगा कास्टशीट, और जब हम प्रति मद कास्टिंग नहीं निकालेंगे तो वो आपको हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कास्ट। इसका मतलब स्पष्ट है कि कास्टशीट तभी बन सकती है जब हमें सवाल में स्पष्ट रूप से यह दिया हो कि वास्तव में उत्पादन आउटपुट कितना किया गया है, क्योंकि अगर आउटपुट ही नहीं दिया गया होगा तो हम प्रति इकाई लागत किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी यही है कि जब तक सवाल में हमें प्रोडक्शन नहीं दिया हो, आउटपुट नहीं दिया होगा, तब तक हम प्रति इकाई लागत की गणना नहीं कर सकते। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वास्तव में एक संस्था के लिए कास्टशीट बनाना ज्यादा बेटर होता है बजाय स्टेटमेंट ऑफ कास्ट। स्पष्ट है कि मान लीजिए हमने जनवरी के महीने में किसी वस्तु की 20 इकाई बनाई, तो हमें इस बात की जानकारी कास्टशीट से मिल जाती है कि 20 इकाई बनाने में प्रति इकाई रॉ मटेरियल, प्रति इकाई लेबर, प्रति इकाई अन्य खर्चे ओवरहेड्स वगैरह कितने हुए हैं। अगर हमें फरवरी के महीने में उसी प्रकार 50 वस्तुएं बनाना है या 100 वस्तुएं बनाना है या 1000 आर्टिकल समय निर्मित करना है, तो उस समय क्या होता है, पिछले अनुभव के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि क्या वास्तव में पिछले वर्ष या पिछली अवधि में जो प्रति यूनिट जो कास्टिंग था, जो प्रति वस्तु लागत थी लेबर की, क्या उसमें किसी प्रकार की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, क्या ओवरहेड्स में किसी प्रकार की प्रति इकाई वृद्धि हुई है या कमी हुई है, इस बात की जानकारी हमें केवल और केवल प्राप्त हो सकती है कास्टशीट के माध्यम से। तो कास्टशीट के अंतर्गत हम प्रति इकाई कालम को मेंशन करेंगे। अब इकाई लागत लेखांकन कहाँ बनाया जाता है, ये रीति है जिसके अंतर्गत जहाँ निर्माण कार्य कंटिन्यूसली और उत्पादन की सारी इकाइयां समान प्रकार की एक जैसी बनाई जाती हो, वहां पर इस प्रकार की यूनिट कास्टिंग का निर्धारण किया जाता है। यूनिट कास्टिंग के हिसाब से लागत का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप 100-100 स्टूल बना रहे हैं, एक जैसे टेबल बना रहे हैं आप, या सीलिंग फैन बना रहे हैं, कूलर बना रहे हैं, जब एक जैसी चीजों का लगातार निर्माण किया जाता हो उस स्थान पर वस्तुओं की लागत का निर्धारण करने के लिए हम यूनिट कास्टिंग सिस्टम को अप्लाई करते हैं। आप जब आगे के सवाल देखेंगे तो आपको कई सवालों में मिलेगा ईंट
ईंटों का निर्माण जैसा हम कहते हैं लार्ज स्केल पे किया जाता है, कंटिन्यूसली उसका प्रोडक्शन चलता है, तो उस प्रकार की कास्टिंग के लिए भी हम इसी प्रकार से यूनिट कास्टिंग के माध्यम से ही लागत का निर्धारण करते हैं। तो यूनिट कास्टिंग वहां अप्लाई किया जाएगा जहां सतत रूप से उत्पादन हो, लार्ज स्केल पर उत्पादन हो और साथ साथ सारी इकाइयां गुण रूप आकार में एक समान हो, तभी हम यूनिट कास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत लागत का निर्धारण कर सकते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया लागत पत्र होता क्या है, एक बार आप देखिए कॉस्ट शीट के अंतर्गत मैंने आपको जैसा बताया था कि इसके अंतर्गत हम कुल लागत का निर्धारण तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ हम एक अवधि में जितनी वस्तुएं बनाई गई है उनकी प्रति इकाई लागत का निर्धारण भी करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, लागत पत्र के अंतर्गत हमें पर यूनिट कास्टिंग का भी उल्लेख करना है। अब ये फॉर्मेट एक आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप इस फॉर्मेट को अच्छे से देखिएगा, इसको नोट भी कीजिएगा, आपके पास शायद नोटिंग भी होगा। जब तक हमारे पास एक निर्धारित फॉर्मेट नहीं होगा तब तक हम सवाल करने में शुरू में हमें प्रॉब्लम्स होगी। तो आप एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए कि हमें किस कास्ट के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल करना होता है। तो एक स्पेसिमेन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कास्ट शीट का, जिसमें हमें लाभ भी ज्ञात करना हो। जब हमें लाभ भी ज्ञात करना होता है तब हम टोटल कास्ट के साथ साथ सेल्स से उसका कंपेरिजन भी करेंगे और सेल्स में से कास्ट माइनस करके प्रॉफिट या लॉस जो भी स्थिति होगी उसका निर्धारण हम इसके माध्यम से करेंगे। तो देखिए लागत पत्र के अंतर्गत कास्ट शीट के अंतर्गत कुल निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का होगा जिसको हम विवरण कहेंगे, सेकंड कॉलम आपका टोटल कास्ट का होगा जिसको हम उस मद की कुल लागत वहां पे शामिल करेंगे, और तीसरा कॉलम होगा आपका कास्ट पर यूनिट, प्रति इकाई लागत हम किस प्रकार से निकालेंगे वो चीज हमें लास्ट वाले कॉलम में मेंशन करना है। अभी मैंने अभी आपको बताया था कि कास्ट पर यूनिट तभी निकल सकता है जब हमने ऊपर सवाल में आउटपुट लिखा हो, यदि आउटपुट ही हमारे सवाल में नहीं दिया होगा तो हम भी प्रति इकाई कास्टिंग का निर्धारण नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए इसी स्पेसिमेन की आप बात करता हूं मैं, मान लीजिए आउटपुट लिखा है 50 वस्तु का, तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल की जो कास्ट होगी उस कास्ट में हम 50 से भाग लगाएंगे तो इससे हमें प्रति इकाई लागत की गणना हो जाएगी। तो सवाल में यदि आउटपुट ही नहीं दिया होगा तो फिर हम कास्ट पर यूनिट की गणना हम नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति में भले ही आप कास्ट शीट बनाए किंतु वो कहलाएगा स्टेटमेंट ऑफ कास्ट, क्योंकि वहां पर प्रति इकाई लागत का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अब सबसे पहले जब हम तो सबसे पहली बात आती है आपकी प्राइम कास्ट की, जैसा मैंने आपको लागत के क्लासिफिकेशन में बताया था आपको कि प्राइम कास्ट में तीन चीजों को हम शामिल करते हैं, तीन चीजों का योग हमारा प्राइम कास्ट कहलाता है। फर्स्ट है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकंड है डायरेक्ट लेबर या वेजेस, और तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ये तीनों चीजें आपकी डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट मटेरियल बोल लीजिए, डायरेक्ट लेबर बोल लीजिए और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल लीजिए, इन तीनों का यदि हम योग कर दें तो ये आपका कहलाता है प्राइम कास्ट। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कई बार सवाल में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, डायरेक्ट लेबर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कर दिया प्रोडक्टिव लेबर या प्रोडक्टिव वेजेस। तो प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब होता है वह वेजेस जो कारखाने में श्रमिकों द्वारा की गई हो, उस मजदूरी, इसका मतलब वह भी आपकी डायरेक्ट वेजेस ही कहलाएगी। तो सवाल में यदि प्रोडक्टिव वेजेस भी लिखा हो या फैक्ट्री वेजेस भी लिखा हो तो वह भी एक प्रकार से डायरेक्ट लेबर ही माना जाएगा। आपने देखा कंज्यूम्ड, यही सवालों में आपको डायरेक्ट लिखा रहेगा कि इतना कच्ची सामग्री का प्रयोग किया, वहां किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, परंतु अधिकांश सवालों में आप देखेंगे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए आप देखिएगा, आपकी बुक्स में आप कंसल्ट कीजिएगा, जब सवाल आएंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा। कई बार क्या होता है सवाल में ओपनिंग स्टॉक आप रॉ मटेरियल भी दिया है, रॉ मटेरियल परचेज भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी रॉ मटेरियल का दिया है, या रॉ मटेरियल ने किसी और संस्थान को ट्रांसफर कर दिया वो भी दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर हम जिस वस्तु का कास्ट शीट या स्टेटमेंट आप कास्ट तैयार कर रहे हैं वास्तव में उसमें रॉ मटेरियल कितनी मात्रा में लगा है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे रॉ मटेरियल का, इसके बाद वो जितना क्लोजिंग स्टॉक था वो हम माइनस कर देंगे एक सामान्य परिस्थिति में, तो वो आपका हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके अलावा कुछ सवालों में आपको ये परिस्थिति मिल सकती है कि रॉ मटेरियल हमने कुछ सेल दिया, बेच दिया किसी लागत का, तो जितनी लागत रॉ मटेरियल हमने सेल कर दिया है उसकी कास्ट भी हमें यहाँ पर माइनस करना होगी, क्योंकि उसका प्रयोग हमारे द्वारा नहीं किया गया। मतलब सीधी सी बात है रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब वह है कि जितनी वस्तुएं आउट में उन वस्तुओं के बनाने में कितनी कच्ची सामग्री का प्रयोग हुआ है वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वे होते हैं जो सीधे उत्पादन
जुड़े होते हैं। ये तीनों वे खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल बोल लीजिए, डायरेक्ट लेबर बोल लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल लीजिए, ये तीनों प्रत्यक्ष व्यय हैं। और ये तीनों प्रत्यक्ष व्यय इनको इसलिए कहा गया है कि इनके बगैर किसी भी प्रकार से वस्तु के उत्पादन की परिकल्पना करना संभव नहीं है। मतलब ये उत्पादन के एक भाग होते हैं, एक पार्ट होते हैं, इसके बगैर हम वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री की हम बात करें तो फर्नीचर इंडस्ट्री में उड़न आपका डेफिनेटली कच्चा माल होगा, उसके बगैर हम किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन की परिकल्पना नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से उड़न के माध्यम से जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, स्टूल का निर्माण करते हैं, टेबल का निर्माण करते हैं, कुर्सियों का निर्माण करते हैं, जो आपको जिस भी प्रकार की यूनिट होगी, तो वहां पर उन चीजों को बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले जो व्यक्ति उस रॉ मटेरियल पे काम करेगा उसके लिए हमें जिस प्रकार लेबर की आवश्यकता होगी उसे हम डायरेक्ट लेबर की श्रेणी में शामिल करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि आपके पास कोई विशेष प्रकार की डिजाइन है, उस डिजाइन के माध्यम से आपको वस्तु का निर्माण करना है, तो वो डिजाइन की कॉस्टिंग भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत शामिल होगी। ठीक इसी प्रकार से जब ईंटों का निर्माण होता है या किसी वस्तु का निर्माण, एक जैसे वस्तु का निर्माण हमें करना होता है, मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो जो सांचे की लागत होती है वो सांचे की लागत भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत शामिल होती है। जैसे ईंटों का निर्माण सेम साइज में किया जाता है तो उस साइज के लिए जो मोल्ड हम यूज करते हैं उस मोल्ड लागत भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत शामिल होगी। तो तीन चीजें मिलकर प्राइम कास्ट का निर्धारण रही, रॉ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों चीजों का योग कहलाएगा आपका प्राइम कास्ट, को हिंदी में बोलते हैं मूल लागत। नेक्स्ट, मूल लागत निकाल लेने के बाद फिर हमें इसी कास्ट के अंतर्गत फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड्स को जोड़ना होता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इसमें प्लस करना होते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस वे होते हैं जो एक फैक्ट्री के अंतर्गत किए जाते हो, किंतु जो लेबर है, डायरेक्ट जो मटेरियल है उसको छोड़कर, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने प्राइम कास्ट में शामिल कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त जो खर्चे होंगे वे खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर किए जाएंगे उन्हें सबको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से प्लस करेंगे। ओवरहेड्स का मतलब भी मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय, जितने भी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उन सभी को कास्टिंग की भाषा में ओवरहेड्स बोला जाता है। और आप देखिए हमने प्राइम कास्ट में ओवरहेड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, ये सारी चीजें आपकी डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसलिए इन्हें हम ओवरहेड्स नहीं कहेंगे। ओवरहेड्स केवल वही होते हैं जो अप्रत्यक्ष की श्रेणी में आते हैं, जो उत्पादन से सीधे जुड़े हुए नहीं होते हैं, किंतु उनका उनके सहयोग से हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वे सारे खर्चे आपके ओवरहेड्स की श्रेणी में शामिल होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आपका होगा कि जितने भी फैक्ट्री के ओवरहेड्स होंगे उन्हें हम प्लस करते जाएंगे, जिसमें एक एग्जांपल मैंने दिया है, लाइटिंग, लाइट का खर्चा हो सकता है, रेंट ऑफ फैक्ट्री हो सकता है, अनप्रोडक्टिव वेजेस हो सकता है आपका, डिप्रेशिएशन प्लांट वगैरह पे हो सकता है, ये तमाम प्रकार के खर्चे फैक्ट्री के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो इन्हें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से लिखेंगे। और इन सब का योग करने के बाद जो कास्ट आएगी उसे हम बोलेंगे फैक्ट्री कास्ट या वर्क कास्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको कारखाना लागत। मतलब प्राइम कास्ट में यदि हमने सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस कर दिए फैक्ट्री कास्ट आपकी सवाल के अंतर्गत निकल जाएगी। अब फैक्ट्री कास्ट निकल जाने के बाद देखिए इसमें सब सारी चीजें क्रम से चलती है, आप किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रखें। आप स्वयं सोचिए कि अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो सबसे पहले में रॉ मटेरियल लगेगा, उसको बनाने के लिए लेबर लगेगा, उसके बनाने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, उसके बाद फिर हम फैक्ट्री में अन्य खर्चे करेंगे। मतलब ये काम भी फैक्ट्री के अंतर्गत ही होता है, जो आपने देखा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन भी हम वही करेंगे, हम डायरेक्ट वेजेस का भी वही निर्धारण करेंगे, वही उसका यूज होगा, किंतु डायरेक्ट चीजें सब प्राइम कास्ट में आ गई। इसके अलावा अन्य जो एक्सपेंसेस हैं वे सारे के सारे खर्चे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी फैक्ट्री कास्ट निकल जाएगी। फैक्ट्री कास्ट निकल जाने के बाद फिर हम इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का, मतलब कार्यालय तथा प्रशासनिक व्यय इसके बाद इसमें प्लस किए जाएंगे, जिसमें ऑफिस की सैलरी हो गई, ऑफिस का रेंट हो गया और ऑफिस बिल्डिंग का ह्रास, फैक्ट्री का ह्रास, ये आपका ऑफिस बिल्डिंग यदि आपकी अलग से, तो ऑफिस बिल्डिंग का ह्रास आपका किसके अंतर्गत शामिल होगा, ऑफिस ओवरहेड्स के अंतर्गत शामिल होगा। मतलब फैक्ट्री के अंतर्गत जो जो चीजें हैं
जो मशीन है उनका ह्रास आएगा फैक्ट्री कास्ट के ओवरहेड्स के अंतर्गत, और जो ऑफिस से संबंधित चीजें हैं उनका ह्रास हम लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड्स के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम फैक्ट्री और कास्ट के अंतर्गत जब ऑफिस के खर्चों को प्लस कर देंगे, जनरल एक्सपेंसेस जिसमें आपका आ गया, जनरल मतलब सामान्य व्यय जिसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं, 5-10 प्रकार की वैरायटी उनकी हो सकती है, उसको हमने नाम दे दिया जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस भी ऑफिस में ही किए जाते हैं। तो ऑफिस के सारे ओवरहेड जोड़ने के बाद जो कास्ट हमें प्राप्त होगी उसे हम बोलेंगे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत निकल जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपकी होती है उसमें हम जोड़ते हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जो आपने जितनी वस्तुएं बेची के बेचने पे जितना आपने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स किए हैं वो हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो आएगा उसे हम बोलेंगे टोटल कास्ट या कास्ट ऑफ सेल्स, बिक्री की लागत बोल सकते हैं हम इसे या टोटल कास्ट भी हम इसे कह सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें प्रॉफिट या लाभ हानि प्लस माइनस जो भी होगा वो करने के बाद आपकी आ जाएगी सेलिंग प्राइस। तो या तो सवाल में आपको सेलिंग प्राइस दी होगी, जब सेलिंग प्राइस दी होगी तो हम उसका हम कंपेरिजन कर कास्ट से कर लेंगे, तो डेफिनेटली बीच का जो गैप होगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस की श्रेणी में शामिल होगा। इस प्रकार से हम स्टेटमेंट ऑफ कास्ट का काम करेंगे। अब यहाँ पर कुछ 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको आपको ध्यानपूर्वक जानना है समझना है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में वस्तु का उत्पादन किया 1000 का, किंतु हमने सेल की है 800 इकाइयां, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आपका स्टेटमेंट आपको अलग से बनाना पड़ेगा। उसका रीजन आप समझिए, उसका कारण क्या है। देखिए यहाँ तक जो आपने खर्चे लिखे होंगे, आपने जो खर्चे लिखे होंगे वो 1000 वस्तुओं के लिखे होंगे, क्योंकि आपने कारखाने में संस्थान में 1000 वस्तुओं का निर्माण किया है। अब जब हम सेलिंग की बात करते हैं, यदि 1000 वस्तु आपने बनाई, वो सारी वस्तुएं यदि आपने बेच दी है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपने सेलिंग एक्सपेंसेस सभी 1000 वस्तुओं पर की है। उस कंडीशन में क्या होगा, हम इसके बाद कंटिन्यू करके इसी में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड जोड़ देंगे और टोटल कास्ट निकाल के हम प्रॉफिट का निर्धारण कर लेंगे। परंतु यदि 1000 वस्तुएं बनाई और बेची गई आपने 800 है, तो उस कंडीशन में स्पष्ट है कि सेलिंग ओवरहेड्स 1000 पर नहीं होंगे, सेलिंग ओवरहेड्स 800 इकाइयों पर ही होंगे। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए मैं देखें ऊपर लिखा है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 800 यूनिट्स, मतलब अगर हमने 1000 बनाई और 800 बेची है तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग से बना, क्योंकि निर्माण 1000 का है और बेची गई इकाइयां आपकी 800 है। और हम कॉमर्स पढ़ते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स सेलिंग के खर्चे उन्हीं वस्तुओं पर होते हैं जो वास्तव में बेची गई है, जो हमारे स्टॉक में अभी है उन वस्तुओं पर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं किए जाते हैं। इसीलिए अगर सवाल में ये परिस्थिति अगर आपके सामने है कि वस्तुएं ज्यादा बनाई और बेची कम है, तो उस कंडीशन में हमें दो पार्ट में सवाल हल करना पड़ेगा। पहले जितनी बनाई है उसके लिए हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना पड़ेगी, और जितनी हमने बेची है उसके लिए हमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स प्लस करके हमें टोटल कास्ट की गणना करके प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस का निर्धारण करना होगा। आज मैं जो आपको सवाल कराऊंगा वो इसी प्रकार का होगा कि बनाई ज्यादा वस्तुएं हैं और बेची हमने कम है। जब ज्यादा वस्तुएं हम निर्मित करेंगे और कम बेचेंगे, तो जो फॉर्मेट अभी आपके सामने डिस्प्ले हुआ है, ये पूरा आप सवाल के रूप में भी इस फॉर्मेट को देखेंगे। तो आप ध्यान रखिए, दोनों चीज आप जानिए समझिए कि जब सारी वस्तुएं बेच दी गई हो तो हमारा काम आसान है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं उसी स्टेटमेंट को। परंतु यदि सारी वस्तुएं नहीं भी की है निर्मित की गई, तो उस कंडीशन में हमें अलग से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की गणना करना पड़ेगी, और प्रॉफिट निकलेगा 800 इकाई पर, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, 1000 बनाई 800 बेची, प्रॉफिट हम 800 पर ही निकालेंगे, क्योंकि 200 इकाई हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के रूप में आपके पास अंतिम स्टॉक होगा। आपने अंतिम स्टॉक भी पढ़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखते हैं, हम बैलेंस शीट में भी उसको दर्शाते हैं। तो जो अंतिम स्टॉक है उस पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं होते। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट के साथ साथ आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, 2-3 चीजें आपको और समझना पड़ेगी, जिसमें वर्क इन प्रोग्रेस भी आपके सवाल में दिया हो सकता है। कार्य चालू हालत में, मतलब ईयर एंड हो गया, मंथ एंड हो गया, हम
करते हैं, जल्दी हम वो करते हैं, वर्ष आपका एंड हो गया और अभी आपका माल पूरे तरीके से निर्मित नहीं हुआ है, पूरी तरीके से बना नहीं है, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में यदि सवाल में कोई निर्देश न हो तो हमें मानते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री के अंतर्गत ही होता है। तो यदि सवाल में आपको वर्क इन प्रोग्रेस भी अगर दिया हुआ होगा तो वर्क इन प्रोग्रेस को हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स के ठीक बाद ओपनिंग स्टॉक उसका प्लस करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक हमें उसका माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बगैर किसी निर्देश के, मतलब केवल ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, ये नहीं लिखा कि वो किस स्टेज पे, तो फिर हम उसे फैक्ट्री के अंतर्गत ही मानेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ ही हम वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस प्लस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को माइनस करेंगे। किंतु यदि सवाल में आपको यह लिखा है स्पष्ट रूप से कि ये वर्क इन प्रोग्रेस ये प्राइम कास्ट के अंतर्गत है, ये प्रत्यक्ष लागत के अंतर्गत है, तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सीधा सीधा हमें प्राइम कास्ट के साथ प्लस माइनस करना पड़ेगा। मतलब आप सवाल में स्पष्ट रूप से पढ़ें कि सवाल में अगर वर्क इन प्रोग्रेस दिया है और कहां के लिए दिया है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमें फैक्ट्री के साथ प्लस करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ प्लस करना है, और यदि आपको लिखा है कि नहीं है तो मूल लागत के साथ है, तो फिर हमें इसको प्राइम कास्ट के ठीक बाद में, प्राइम कास्ट निकालने के ठीक पहले में ओपनिंग स्टॉक प्लस करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक को हमें माइनस करना पड़ेगा। जैसी सवाल की परिस्थिति हो उस परिस्थिति के अनुरूप हमें वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये था आपका सिंपल सी चीज। इसके बाद एक चीज और आएगी, यदि सवाल में निर्मित माल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है तो उसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। मैं आपको बता दूं, जब हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम उन चीजों को समझते जाएंगे, एक साथ यदि हम सारी चीज को अगर आज जानेंगे तो डेफिनेटली कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा और आप हो सकता है कहीं करें, तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप एक आती जाएगी हम उन चीजों को देखते जाएंगे कि कहां पर हम किस प्रकार से किन चीजों का एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट भी आप तैयार रखिए। कई बार होता क्या है परीक्षा में जो आपको 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन जो आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको हम बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए आप पहला जो आप टॉपिक है आपका, फर्स्ट जो चीज स्लाइड थी, आपसे ये पूछ लिया बताइए प्राइम कास्ट में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या आल, तो आपका आंसर होगा आल, क्योंकि हम इन सारी चीजों को इसके अंदर शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए प्राइम कास्ट का मतलब आपसे पूछा जाता है, प्राइम कास्ट है क्या, एक या दो नंबर में इसको एक्सप्लेन कीजिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंतर्गत कौन कौन से खर्चे आते हैं बताइए, या फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ जाने के बाद कौन सी कास्ट आती है, वर्क कास्ट, टोटल कास्ट, जो भी आपका आंसर है, तो डेफिनेटली आंसर होगा फैक्ट्री कास्ट। इस प्रकार से देखिए ये जो आपका जो था इस स्पेसिमेन को पढ़ने से एक दो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी भी आपकी आसानी से हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ विश्वविद्यालयों में, मैं समझता हूँ अधिकांश विश्वविद्यालयों में ऐसा होता है, कई बार आपसे 60 क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है इस सवाल, 3 आइटम आपको दे रखे और बताया प्राइम कास्ट निकाली, मतलब आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे दिया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस न देते हुए आपको दे दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और आपसे पूछा प्राइम कास्ट निकाली, तो डेफिनेटली हम रॉ मटेरियल भी प्लस, रॉ मटेरियल तो लेंगे उसमें डायरेक्ट लेबर को जोड़ेंगे, किंतु जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि तो आपसे प्राइम कास्ट पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप देखिए इस फॉर्मेट को पढ़ने के बाद हम कई छोटे छोटे प्रश्न जो आपकी पुस्तक में आपको लास्ट में मिल जाएंगे, शुरू शुरू में मिल जाएंगे, आप प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे यदि आपने फॉर्मेट को अच्छे तरीके से समझ लिया। तो ये हमारा फॉर्मेट था। अब इस फॉर्मेट में हम किस तरह से जो आता है इम्पोर्टेंट चीज ये देख लीजिए, इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको निकालना पड़ सकता है, मैंने बताया आपसे निकालेंगे, सवाल में भी हम देखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस चालू कार्य का किस प्रकार से निर्धारण करेंगे, कहां उसको एड करेंगे, ये मैंने भी आपको बता दिया, और लागत पर लाभ निकालने के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, दो प्रकार के परसेंटेज आपके हो सकते हैं, लागत पर लाभ का परसेंटेज हो सकता है और चौथा हो सकता है आपका बिक्री पर लाभ का परसेंटेज। तो डेफिनेटली ये चीजें जब होगी आपकी कि बेचे गए लागत पर लाभ का निकालना, बड़ा आसान है लागत पर लाभ निकालना, मान लिया आपको टोटल कास्ट पता है और लिखा कि टोटल कास्ट पर 10% लाभ लेना है, अब मान लीजिए टोटल कास्ट आपकी 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 10% निकालेंगे 10,000 रुपए आपका हो जाएगा लागत पर लाभ, परंतु आपसे पूछा विक्रय मूल्य पर लाभ निकालिए और आपको सवाल में विक्रय मूल्य नहीं दिया है, उस कंडीशन में थोड़ा सा आपको
देखना पड़ेगा कि हमने हमें टोटल कास्ट पता है, जबकि लाभ पूछा है बिक्री पर, तो हम वही चूकी जमा के करेंगे, माना कि जो है इसमें से जो भी आपका प्रॉफिट वो माइनस कर देंगे, मान ली 10% प्रॉफिट लेना है, तो माना कि विक्रय मूल्य 100 है, 100 में से हमने 10 प्रॉफिट कम कर दिया, तो हमारी कास्ट आ जाएगी 90 रुपए। अब हमने कास्ट क्यों निकाली, क्योंकि हमें बिक्री मूल्य नहीं पता है, हमें कास्ट पता है। तो हम पिछले स्टेप में जाएंगे कि मान लीजिए 90 आपकी कास्ट है, तो लागत लाभ है आपका 10 रुपए। जब आपकी लागत 1 लाख रुपए है, तो लाभ तो जो लाभ निकलेगा वो बिक्री मूल्य पर उतना ही परसेंटेज होगा जो आपने लागत पर निकाला है। तो आगे जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे, आप ये दोनों चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से हम लागत पर लाभ का निर्धारण करेंगे और किस प्रकार से हम बिक्री पर लाभ का निर्धारण करेंगे, और बेचे गए माल की लागत का निर्धारण हम करेंगे थोड़ा सा आगे। जब एक दो सवाल आप कर लें, 2-4-6 सवाल जब आपके हो जाएं, फिर आप देखें कि किस प्रकार से हम डिटरमिनेशन करते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने के लिए ये तभी किया जाता है जबकि सवाल में निर्मित माल का ओपनिंग दिया होगा, तो फिर हमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालना होगा। तो कुल मिलाकर 5-6 स्टेप्स आपकी हो गई, जिसके दौरान आपको सवाल हल करना पड़ेगा। सबसे पहले प्राइम कास्ट निकलेगी, नंबर 2 फैक्ट्री कास्ट निकालेंगे, नंबर 3 ऑफिस कास्ट निकालेंगे जिसको हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, नंबर 4 यदि निर्मित माल का फिनिश गुड का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा, फिर हमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगी। और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद इसमें हम सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ देंगे तो आपकी टोटल कास्ट आ जाएगी। मतलब कुल मिलाकर 5 स्टेप आपकी हो गई, जिन स्टेप्स के माध्यम से हम टोटल कास्ट की गणना करेंगे। इसके बाद यदि भी आसानी से कर लेंगे, और यदि लाभ का परसेंटेज दिया होगा तो जैसा मैंने भी आपको बताया, हम परसेंटेज के हिसाब से लाभ निकालकर लाभ को जोड़कर सेलिंग प्राइस का निर्धारण भी कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये 4-5 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपको सवाल करने के पहले। अब आगे देखिए लागत विवरण पत्र, स्टेटमेंट ऑफ कास्ट किसे बोलते हैं। फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, आप नोट कीजिए, एक 60 प्रश्न आपका आज तैयार हो गया कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कास्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कास्ट में क्या अंतर है। 2 या 3 नंबर का जो भी प्रश्न आपका आता है, छोटे जो प्रश्न आते हैं उत्तर वाले, उसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि लागत स्टेटमेंट ऑफ कास्ट और कास्ट शीट दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कास्ट शीट के अंतर्गत हम प्रति इकाई प्रति मत की लागत का निर्धारण भी करते हैं, जबकि लागत विवरण पत्र के अंतर्गत हम प्रति मत लागत का निर्धारण नहीं करते हैं। ये पहला आपका अंतर हो गया। दूसरा आपका अंतर होगा कि लागत पत्र तभी बनाना संभव है जब हमें उत्पादन की इकाइयां दी हुई हो, तभी हम प्रति इकाई लागत की गणना कर सकते हैं। यदि सवाल में उत्पादन नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हम लागत पत्र नहीं बना सकते, उस कंडीशन में हमें लागत विवरण बनाना होता है। ये दूसरा आपका अंतर हो गया। और तीसरा बेसिक अंतर है कि ऐसी संस्था जहां पे प्रति इकाई सॉरी आउटपुट आपका दिया हो, उन संस्थाओं में कास्ट शीट ही बनाई जाती है, ताकि हम प्रति मद ये जान सकें कि हमारा वास्तव में प्रति मद कितना कितना खर्च आया है उस वस्तु के निर्माण में। जैसा मटेरियल कितना लगा प्रति इकाई, लेबर कितना लगा प्रति इकाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगे प्रति इकाई, इस चीज की जानकारी हमें केवल और केवल कास्ट शीट से ही प्राप्त हो सकती है। स्टेटमेंट ऑफ कास्ट से हम उस चीज को नहीं जान सकते। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप 1 या 2 नंबर का जो आपका प्रश्न आता है उसमें आपको इन चीजों को बताना है, और लास्ट में आप बता सकते हैं, एक फॉर्मेट बना दीजिए कि कास्ट शीट के अंतर्गत हम इस प्रकार से 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर, टोटल कास्ट, कास्ट पर यूनिट, ये बनाएंगे हम इसके अंतर्गत कास्ट शीट के अंतर्गत, जबकि स्टेटमेंट ऑफ कास्ट के अंतर्गत हम पर्टिकुलर और टोटल 2 ही कॉलम रहेंगे। इसमें कास्ट पर यूनिट का कॉलम स्टेटमेंट ऑफ कास्ट में नहीं रहेगा। ये आप 3-4 अंतर बनाकर एक आपका लघु प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा, छोटा प्रश्न भी आपका तैयार हो गया। तो आज जितना अभी तक आपने समझा आधे घंटे के अंतर्गत, मैं समझता हूँ 2-3 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 1 आपका शॉर्ट प्रश्न कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस भी आपने जान लिया समझ लिया है। अब हम किस प्रकार से सवाल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि जो अभी आपने स्टेटमेंट ऑफ कास्ट बनाया था या कास्ट शीट का जो फॉर्मेट अभी आपने देखा है, उसमें किस प्रकार से इन चीजों को शामिल करेंगे। एक डाटा दिया है आपको एक संस्थान का, दिसंबर 2015 के डाटा है आपके,
और इसमें ये बताया है कि मटेरियल यूज किया हमने 1,50,000 का, डायरेक्ट वेजेस हमारी 37,500 रुपए है। आप चाहें तो नोट करें सवाल, क्योंकि जब तक आप सवाल नोट नहीं करेंगे तब तक हम सवाल कर नहीं पाएंगे। आप संक्षेप में सवाल नोट कीजिए, सभी छात्र बैठे हैं कृपया सवाल नोट करें, क्योंकि सवाल नोट करेंगे तो समझ में आएगा आगे क्या होगा, बार बार स्लाइड्स पे जाने में समय बर्बाद होगा। तो एक प्रोडक्शन के आपको आंकड़े दिए हुए हैं, एक वस्तु का निर्माण किया है जिसमें मटेरियल यूज दे रखा है आपको 1,50,000 का, और डायरेक्ट वेजेस आपको दी हुई है 37,500 रुपए, मतलब मटेरियल भी दिया आपको, वेजेस भी आपको दिए। इसके बाद नीचे दिया है इफेक्टिव मशीन आवर्स, 600 घंटे मशीन ने काम किया है, और एक घंटे का मशीन का खर्चा है 50 रुपए, मतलब फैक्ट्री में जो मशीन आपकी लगी है उस मशीन ने हमें 600 घंटे हमने काम लिया उस मशीन ने, और प्रति घंटा मशीन पर खर्च हुआ है 50 रुपए, मतलब हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालना पड़ेंगे 600 में 50 का गुणा करने के बाद। अगला है ऑफिस के जो खर्चे हैं वे 10% आपके हैं वर्क कास्ट के, वर्क कास्ट का मतलब था फैक्ट्री कास्ट का 10% ऑफिस ओवरहेड्स हैं, मतलब डायरेक्ट आपने पड़ेंगे, मतलब ऑफिस जैसे आप फैक्ट्री कास्ट निकालेंगे उस फैक्ट्री कास्ट का 10% हम करेंगे, वो 10% आपका हो जाता है ऑफिस ओवरहेड्स। इसके अलावा आपको दे रखा है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस से 1 रुपए प्रति इकाई, 1 रुपीज पर यूनिट, ये आपका सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अगली बात, जो इकाइयां बनाई गई हैं वे 7,500 है, यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है 7,500, किंतु हमने इकाई बेची है 6,800, मतलब उत्पादन किया 7,500 का और सोल्ड हमने किया है 6,800 का, और लास्ट में है सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है प्रति इकाई 40 रुपए। ये सवाल, जिन्होंने सवाल नोट कर लिया नहीं किया, मेरा एक प्रश्न होगा आपसे, उसके बाद मैं आगे सवाल हल करूंगा, इसलिए सीरियसली ले आप इन चीजों को। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जो मैंने 4 बार जिस चीज को रिपीट किया है उसी चीज से संबंधित मेरा एक प्रश्न होगा आपसे, प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, वो देख लीजिए। पहले आपसे पूछा है उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर आपको बनाना है कास्ट पर यूनिट, एक प्रिपेयर कास्ट शीट बनाना है जिसमें आप कास्ट पर यूनिट आपकी हो, और दूसरा आपको बताना है लाभ का स्टेटमेंट भी आपको बनाना है, मतलब कास्ट शीट बनाएंगे आप, और कास्ट शीट बनाने के बाद आप चूंकि इकाइयां बेची भी है तो आपको बेची गई इकाइयों पर लाभ की गणना भी करना है, मतलब दो काम आपको करना होंगे, कास्ट शीट बनाना है और कास्ट शीट बनाने के बाद आपको जितनी बेचिए उस पर आपको प्रॉफिट का स्टेटमेंट भी बनाना है। ये दो चीजें आपको निकालना पूछा है इस सवाल के अंतर्गत। अब देखिए सवाल आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, एक प्रश्न मेरा है पीजी कॉलेज धार में कृपया जो वहां के प्रभारी हैं वो किसी भी स्टूडेंट को माइक दें, जो प्रभारी हैं पीजी कॉलेज धार। प्लीज जल्दी से किसी भी एक स्टूडेंट को माइक दें और मेरे एक प्रश्न का जवाब दें। पीजी कॉलेज धार, चलिए जयवंती बैतूल कॉलेज, बैतूल जयवंती अक्सर बैतूल, प्रभारी कृपया किसी स्टूडेंट को माइक दें। जयवंती अक्सर बैतूल, जल्दी से सभी क्लास में जितने हमारे प्रभारी कृपया माइक अपने पास रखें, जैसे ही प्रश्न पूछा जाए तत्काल बैतूल कॉलेज। देखिए लिसनिंग सुनना भी एक कला है, आपने कितना सुना ध्यानपूर्वक उसका। हाँ प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, नाम बताएं अपना। यस बैतूल कॉलेज, पीजी कॉलेज धार, शायद प्रभारी जी ने माइक ठीक कर लिया होगा, माइक दे बच्चों को पीजी कॉलेज धार। हेलो, हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर धार से माइक तो ठीक है लेकिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं बच्चे? अरे बच्चों को क्वेश्चन नहीं कर रहे, माइक तो ठीक हो गया हमारा। माइक ठीक हो गया और क्या नहीं हो रहा है जी?
क्या नहीं कर पा रहे हैं? ये तो सब फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट बैठे हैं ना आपके यहाँ धार कॉलेज, स्टूडेंट सभी फोर्थ सेमेस्टर के हैं, फोर्थ सेमेस्टर के ही है। हाँ तो आप किसी को एक को माइक दीजिए, किसी भी एक को माइक दीजिए। यस हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। हाँ ये मेरा ये था, इस सवाल में आप देखिए यूनिट बनाई है 7500 और हमने सोल्ड की है 6800, ठीक है, मतलब बनाई ज्यादा है और सोल्ड हमने कम की है। क्या सर कॉस्ट शीट के अंदर ही कर लेंगे? बताइए कैसे। हेलो सर, हाँ, निकालनी पड़ेगी सर। क्या हुआ, कहाँ से, कौन से कॉलेज से बोल रहे हैं? सर बैतूल कॉलेज से यशवंत साहू। बैतूल का एक साथ बने या अलग अलग करना पड़ेगा? सर अलग अलग बनाना पड़ेगा। क्यों, रीजन बताइए, कारण बताइए उसका, क्या रीजन उसका, कारण क्या है, रीजन क्या है, रीजन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यस सर, क्या क्या कारण क्या है, क्यों बनाना पड़ेगा हमें? सर पूरी सोल्ड नहीं हुई इसी। यस करेक्ट आंसर है, ये आंसर सही है उसका। आपको मैंने 3 बार रिपीट किया था धार कॉलेज। yes. सारी इकाइयाँ बेची दी गई हैं, तो सभी पे लाभ का निर्णय होगा, क्योंकि इकाइयाँ बनाई अधिक हैं और सोल्ड कम की है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट का स्टेटमेंट अलग से बनाना पड़ेगा। ये इस प्रश्न का उत्तर था। बैठिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप बातों को, है ना, बातचीत बिल्कुल मत कीजिएगा मेरे, मैं सब चीज देख रहा हूँ यहाँ पर, टोटल चीज मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। बैठिए आप, सवाल हम शुरू कर रहे हैं। देखिए सवाल किस प्रकार से होगा, ये देखिए कास्ट शीट हम बना रहे हैं। सबसे पहले कास्ट शीट में आप देखिए हमने लिखा आउटपुट, अब हम आउटपुट कितना लिखेंगे, जितनी हमने वस्तुएं बनाई है उसका मतलब होता है उत्पाद। तो देखिए हमने उत्पाद कितनी वस्तुओं किया है, उत्पाद किया है 7500 का। अभी जो बैतूल कॉलेज से जवाब मिला है उसी के हिसाब से हम 7500 इकाइयां निर्मित कर रहे हैं, अतः हमें 7500 इकाइयों की कास्ट शीट तैयार करना है। प्रॉफिट की गणना हम करेंगे 6800 इकाइयों पर जो हमने सोल्ड की। तो सबसे पहले आप देखिए 7500 इकाइयों की लागत का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए ऊपर हमने लिखा कास्ट शीट, किस महीने की वो महीना डाल देंगे हम, कितना आउटपुट हुआ वो हम यहाँ लिख देंगे। आप इस चीज को नोट करें कि जब भी हम कास्ट शीट बनाएं सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आउटपुट जरूर लिख दें, ताकि हम प्रति इकाई जब हमें लागत निकालना हो तो आसानी से हम निकाल सके, हमें सवाल में बार बार देखने की आवश्यकता न पड़े। सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल यूज्ड, हमने मटेरियल यूज किया है 150,000 रुपए का, हमने 150,000 लिख दिया टोटल कास्ट के अंतर्गत, और प्रति इकाई में हो जाएगा 150,000 में हमने 7500 से भाग लगा दिया, तो ये हो गया आपका 20 रुपए, 20 रुपीज पर यूनिट आपकी हो गई मटेरियल की कॉस्ट। अगला देखिए मटेरियल कॉस्ट के बाद मटेरियल आपका 150,000 ये हमने लिख दिया। अब अगला खर्च है आपका डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आपको दिए 37500, ये हमने लिख दिया डायरेक्ट वेजेस 37500 रुपए, प्रति इकाई हम निकालेंगे 37500 में 7500 का भाग लगा दिया, ये हो गया आपका 5 रुपए प्रति इकाई, 5 रुपीज पर यूनिट गई डायरेक्ट वेजेस की कास्ट। अब इस सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखे हैं, आप फॉर्मेट में जरूर लिखें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दोनों में कर दीजिए नील डैश लगा दीजिए, ताकि हमें इस चीज को ये ध्यान रहे कि वास्तव में प्राइम कास्ट के अंतर्गत हम 3 चीजों को इंक्लूड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं तो उसको नील कर दीजिए आप। ये इनका टोटल आपका हो गया प्राइम कास्ट, प्राइम कास्ट 187500 और की हो गई 25 रुपए। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ प्राइम कास्ट वाला। अब सेकंड स्टेप की आएगी, जब हमने रॉ मटेरियल वगैरह सब यूज कर लिया, हमने डायरेक्ट लेबर लगा दिया, तो हम फैक्ट्री में क्या करेंगे, इन सब के सहयोग से मशीनों के माध्यम से प्रोडक्शन किया जाएगा। अब आप देखिए मशीन ने 600 घंटे काम किया है और 1 घंटे मशीन का खर्चा आपका 50 रुपए है, मतलब ये फैक्ट्री में मशीन लगी होती है तो फैक्ट्री का खर्चा हो जाएगा 600 × 50 हमने कर दिया, मतलब 30,000 रुपए हमारा खर्च हुआ इन 7500 वस्तुओं के बनाने में
मशीन का, तो 600 घंटे लगे और एक घंटे की कास्ट आपकी थी 50 रुपए, इस प्रकार से 30,000 रुपए आपका हो गया मशीन का खर्चा, और हमने इसको लिख दिया फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से, और प्रति इकाई में आपका हो जाएगा 30,000 बटे 7,500, 4 रुपए प्रति इकाई, ये आपका हो गया फैक्ट्री का खर्चा। इसका टोटल करने के बाद जो आपका आएगा उसको हम बोलते हैं वर्क कास्ट बोल लीजिए या फैक्ट्री कास्ट, ये हो गई आपकी फैक्ट्री कास्ट, 217,500 टोटल फैक्ट्री कास्ट हो गई और प्रति इकाई आपकी कास्ट हो गई कुल मिलाकर 29 रुपए। इसके बाद अब हमें प्लस करना है इसमें ऑफिस ओवरहेड्स, और ऑफिस ओवरहेड्स भी आपको डायरेक्टली नहीं दिए हैं, आपसे यह कहा गया है, देखिए सवाल में ऑफिस ओवरहेड्स से आपके 10% ऑन वर्क कास्ट, मतलब फैक्ट्री कास्ट का 10% आपको कार्यालय उपरिव्यय मानना है, उन्होंने लिखा है ऑफिस ओवरहेड्स 10% ऑन वर्क कास्ट, 10% काय का निकालेंगे हम फैक्ट्री कास्ट का, फैक्ट्री कास्ट आपकी 217,500 का हमने 10% किया, वो आपका आया 21,750, 21,750 रुपए आपकी हो गई ऑफिस की कास्ट, और प्रति इकाई कास्ट आपकी हो जाएगी 21,750 में हम 7,500 से भाग लगा देंगे तो प्रति इकाई आपकी हो जाएगी 2.90 रुपए, कास्ट आप प्रोडक्शन 239,250 ये आपकी टोटल कास्ट हो गई, और 31.90 ये आपकी हो गई टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रति इकाई, मतलब और टोटल हमने निकाल लिया कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 239,250 रुपए। अब अभी जैसा बैतूल कॉलेज से मुझे जवाब मिला था कि अब हमें प्रॉफिट का स्टेटमेंट अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने वस्तुएं निर्मित की है 7,500 किंतु बेची हमने कितनी है, देखिए आप सोल्ड की आपने 6,800, इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें सेलिंग एक्सपेंसेस 6,800 इकाइयों पर ही करना होंगे, बाकी की जो 700 इकाइयां हैं वो आपकी स्टॉक के रूप में संस्थान में निश्चित रूप से रही होगी। तो अब हमें अगला जो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा किसका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब आप देखिए अभी जो धार काले से मुझे जवाब मिला था, यदि मान लीजिए जैसा उस स्टूडेंट हम उसी को कंटिन्यू यदि हम करते तो क्या होता, ये कास्ट आपकी दी हुई थी कितनी इकाइयों की, 7,500 इकाइयों की कास्ट दी हुई थी, हमें सेल करना है 6,800 इकाइयां, इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें 6,800 इकाइयों की कास्ट से ही पर ही सेलिंग एक्सपेंसेस करना है, और उन्हीं को चूंकि सेल किया है अतः उन्हीं पर हमें प्रॉफिट भी निकालना होगा। तो अगला जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और ये कितनी यूनिट का रहेगा, 6,800 इकाइयों का रहेगा, आप लिख लें वहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 6,800 यूनिट, क्योंकि हमने 6,800 यूनिट को बेचा है। अब देखिए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये पीछे जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी हमने एक इकाई की थी 31.90, 31.90 रुपए एक इकाई की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, अब हमें 6,800 इकाइयां बेचना है अतः 6,800 × 31.90, अगर हम 6,800 इकाई में 31.90 से गुणा कर देंगे तो ये आपकी कास्ट आ जाएगी 6,800 इकाइयों की कुल, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,800 × 31.90 कहां से आया, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, ये जो हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी एक इकाई की 31.90 रुपए, इसके हिसाब से हमने 6,800 इकाइयों की निकाली कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये हो गया आपका 216,920 रुपए और प्रति इकाई आपका हो गया 31.90। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को प्लस करेंगे। अब देखिए सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने दे रखे हैं, सवाल देखिए आप फिर से, सवाल में स्पष्ट लिखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1 रुपीज पर यूनिट, 1 रुपए प्रति इकाई, इसका मतलब 6,800 इकाइयां हमने बेची है तो 6,800 रुपए ही आपका सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होगा 1 रुपए प्रति इकाई। आगे देखिए ये हमने कर दिया 1 रुपए प्रति इकाई के मान से हो गया प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 1 रुपीज पर यूनिट, 6,800 में हमने गुणा कर दिया 1 रुपए का, तो डेफिनेटली 6,800 रुपए आपकी हो गई कास्ट हो गई सेलिंग की, सेलिंग कास्ट हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस कर दी तो ये आपकी होगी कास्ट ऑफ सेल्स, ये इसको हम टोटल कास्ट भी बोलते हैं, टोटल कास्ट आपकी हो गई 223,000
720 रुपए और कास्ट पर मीटर आपकी हो गई 32 रुपए 90 पैसे। अब देखिए आप, ये हो गई सेल्स आपकी, मतलब कास्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो अब आपको देखना है। सवाल देखिए, स्पष्ट लिखा है कि जो इकाइयां बेची है ये 40 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से हमने सेल की, 40 रुपीज पर यूनिट। और कास्ट कितनी आई है आपकी, कास्ट है आपकी 32.90, मतलब 32 रुपए 90 पैसे कास्ट है और एक का सेलिंग प्राइस आपका 40 रुपए। तो 40 रुपए में से हम 32.90 कर देंगे तो 7 रुपए 10 पैसे आपका हो गया प्रॉफिट। मतलब 40 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कास्ट, सेलिंग प्राइस हमारी 40 रुपए प्रति यूनिट है, प्रति यूनिट कास्ट हमारी 32 रुपए 90 पैसे है। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें 7 रुपए 10 पैसे प्रति इकाई का लाभ प्राप्त हुआ है। अब एक इकाई का लाभ हुआ 7 रुपए 10 पैसे, हमने बेची कितनी है 6800, हम 6800 इंटू कर देंगे 7.10, तो ये आपका हो जाएगा 48,280 रुपए, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। मतलब एक इकाई का 7 रुपए 10 पैसे था, हमें निकालना है 6800 का, तो 6800 से हम इंटू कर देंगे 7.10 से, तो इस का मतलब ये प्रॉफिट आपका हो गया 48,280। अब टोटल कास्ट में हम प्रॉफिट को जोड़ देंगे, ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई जो 40 रुपए आपको दे रखी थी, 40 रुपए के हिसाब से बिल्कुल कंफर्म भी आपका उत्तर हो जाएगा कि 6800 में हम 40 का यदि गुणा करेंगे तो जो कुछ हमने प्रॉफिट निकाल के आएगा जो हम प्लस करने के बाद निकालेंगे 2,72,000 रुपए, ये आपकी हो जाएगी सेलिंग प्राइस और प्रति इकाई आपका सेल्स हो जाएगा 40 रुपए प्रति इकाई। अब देखिए मैं फिर से धार वाले स्टूडेंट की बात पे जा रहा हूँ। यदि इसी सवाल में ये लिखा होता कि सभी 7,500 इकाइयां एच दी गई, सभी 7,500 आल, इसका मतलब हम प्लस कर देते प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ देते तो टोटल कास्ट आ जाती, सेल्स से उसका तुलना कर लेते तो प्रॉफिट निकल। मतलब अगर जितनी बनाई गई वस्तु है सभी हमने बेच दी है तो हम उसी कास्ट शीट को आगे बढ़ाकर लाभ तथा विक्रय मूल्य की गणना कर सकते हैं। परंतु यदि बनाई वस्तु ज्यादा हो, सेल कम का किया हो, उस कंडीशन में हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग से बनाना पड़ेगा। अब आप जिसमें सारा बेच दिया और 10-2 वो कर लीजिए जिसमें कुछ बेचा कुछ नहीं बेचा, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सवाल यदि आपने कर लिया तो आपको दोनों चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि सब बिक जाता तो क्या होता, सब नहीं बिका होता, नहीं बिका है तो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को अलग क्यों बनाया है, यह इस सवाल से बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये इस प्रकार से हम सवाल हल करेंगे। अब मान लीजिए इसी सवाल में यदि आपसे यह पूछा जाता कि स्टेटमेंट ऑफ कास्ट बनाइए, लागत विवरण पत्र बनाइए, जब लागत विवरण पत्र बनाने की बात आती तो फिर हम सवाल में क्या करते, सवाल में जो कास्ट पर यूनिट का ये कालम हम नहीं बनाते, हम केवल पर्टिकुलर और टोटल कास्ट का कालम ही बनाते यदि स्टेटमेंट ऑफ कास्ट पूछा जाता तो। परंतु मैं फिर परंतु लग रहा हूँ सवाल को पढ़ना, सवाल में स्टेटमेंट ऑफ कास्ट पूछने के साथ साथ आपसे यह भी पूछा कि प्रति इकाई लागत भी निकालिए, तो फिर हमें कास्ट का कालम भी बनाना पड़ेगा। मतलब कास्ट शीट में हम कास्ट पर यूनिट का कालम हर हालत में बनाएंगे, किंतु स्टेटमेंट ऑफ कास्ट में कास्ट पर यूनिट का कालम तभी बनाएंगे जब सवाल में निर्देश दिया हो, अन्यथा हम पर्टिकुलर और टोटल कास्ट के दो कालम बनाकर ही पूरे सवाल को हल कर लेंगे। इस प्रकार ये दो बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको दोनों का डिफरेंस भी आपको बता दिया और किस प्रकार से हम इन फॉर्मेट में इन चीजों को बनाते हैं ये चीज भी आपकी इससे क्लियर हो गई। कास्ट शीट के अंतर्गत स्टेटमेंट ऑफ कास्ट में आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ जिसे लिखा है 10% ऑफ वर्क कास्ट, तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर ये तो किसी भी चीज से 10% कर दिया, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही आपका उत्तर होगा, वास्तव में अकाउंट में कुछ खर्चे अनुमान के आधार लिख दिए जाते हैं। इसीलिए जब आप चौथी पांचवी इकाई पर जाएंगे तो वहां पर आपका टॉपिक है कि किस प्रकार से हम कास्ट अकाउंट के लाभ को और लाभानी खाते द्वारा निकाले गए लाभ को एक जैसा कैसे बनाएंगे, दोनों में यदि अंतर है तो अंतर को हम कैसे दूर करेंगे। वो अंतर आपका दूर तभी होगा जब हम चौथी इकाई पर जाएंगे, चौथी इकाई पांचवी इकाई पर आप जाएंगे तब आपको दोनों चीज में समझ में आएगा कि वास्तव में कास्ट शीट में के खर्चों और लाभानी खाते में जो खर्चे लिखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है।
कहाँ अंतर आता है? तो कास्ट अकाउंट में क्या होता है, कई खर्चे अनुमान के आधार पर बता दी कि ठीक है भैया 10% होगा वर्क का, ऐसा हमारा अनुभव है, अनुभव हो गया आपका, हो सकता है ये खर्चा आपका 21,750 भी हुआ हो, 23,000 हुआ हो या 20,000 हुआ हो, तो डेफिनेटली कास्ट अकाउंट के प्रॉफिट में और लाभानी खाते के प्रॉफिट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, वो होता है केवल ओवरहेड्स की वजह से। तो हम इन खर्चों के हिसाब से ये निकाल लेंगे किस प्रकार से हमें इन कास्टिंग को करना है। अब आप देखिए काफी कुछ चीजें हैं, ये प्रश्न एक आपके इस पर डिस्प्ले हो रहा है, इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को नोट कीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि टोटल कास्ट आपकी देखिए कितनी 8,100 रुपए है और विक्रय मूल्य पर आपको 10% लेना है, विक्रय मूल्य पर लाभ लेना है आपको 10% सेलिंग प्राइस पर। मैंने आपको बताया था दो प्रकार से लाभ आपसे पूछा जा सकता है, एक तो आपसे लागत पे पूछा जा सकता है, लागत पर बड़ा आसान काम है, लागत आपके पास सामने होगी, आपको लागत में 10% 5% 10% जो आप निकाल लेंगे, परंतु यहाँ पे आपसे पूछा लागत दे रखी 8,100 और आपसे पूछा विक्रय मूल्य पर आपको 10% लाभ लेना, किस प्रकार से निकालेंगे आप, क्या आंसर हो, इसका उत्तर क्या हो। मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया भी था बीच में कि किस प्रकार से हम लाभ की गणना करेंगे, तीन चार महत्वपूर्ण चीजें हैं ये जो कास्टिंग में बड़ी ध्यान रखने की आपको है कि कहां पर हम किस चीज का लाभ निकालेंगे। आपसे पूछा है कास्ट दे रखी और प्रॉफिट पे 10% प्रॉफिट लेने के लिए कहा गया है, कैसे निकालेंगे आप, इसका आंसर क्या होगा। आपके जो 60 क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नंबर का ये प्रश्न है, आप कैसे निकालेंगे आप। अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस तो दी भी नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, माना कि सेलिंग प्राइस क्या है 100 रुपीज है, 10 रुपीज हम उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कास्ट आपकी आ जाएगी 90 रुपीज, 100 हमने माना सेल्स, 10 हमने माइनस कर दिया प्रॉफिट तो कास्ट क्या आपकी आ गई 90, जब 90 कास्ट है तो लाभ कितना है 10। मैंने आपको एग्जांपल भी यही दिया था इसी प्रकार का, 90 कास्ट पर लाभ 10, इसलिए 8,100 की कास्ट पर लाभ कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। हेलो, हाँ बोलिए, कौन सा कॉलेज, नेपानगर कॉलेज से ओश्मी, हाँ बोलिए बोलिए, नेपानगर कॉलेज नाम बताइए, कितने का, 900 रुपए, चलिए बाकी लोग कितने एग्री हैं इससे, इनके उत्तर से बाकी लोग कितने एग्री हैं, कितने लोग तैयार हैं, इनका आंसर सही है, सही बोला इन्होंने। हेलो, बैतूल कॉलेज से सर, कौन सा कॉलेज, बैतूल कॉलेज, 810 आएगा, सुना था आपने प्रश्न क्या है, काय पे पूछा है लाभ, लाभ किस पे निकालना है, विक्रय मूल्य पर निकालना है और आपको दे रखा उत्पादन लागत, दे आप 810 रुपए बता रहे हैं। दो तीन एग्जांपल सुनने के बाद मेरे दो बार मैंने रिपीट भी किया था आपके प्रश्न को, अगर यहाँ लिखा होता उत्पादन लागत पर 10% लाभ तो फिर हम 8,100 का 10% निकालते, आपसे पूछा है सेल्स पर 10% प्रॉफिट, देखिए जरा अंतर समझिए, अगर लागत पर पूछा होता तो आपका उत्तर बिल्कुल सही था, 8,100 पर निकाल देते हम, 8,100 का 10% कर देते, 810 रुपए 10%, माना कि विक्रय मूल्य 100 है क्योंकि विक्रय मूल्य दिया नहीं है, हम 10 माइनस करेंगे प्रॉफिट तो कास्ट आ जाएगी, जो चीज हमें दी है उस लेवल पर हमें आना पड़ेगा, हमें दी है कास्ट, हमें कास्ट तक आना पड़ेगा, तो माना कि विक्रय मूल्य 100 है, प्रॉफिट माइनस कर दिया 10 हमने, 90 आपकी कास्ट बच गई, 90 कास्ट अब 10, इसलिए 8,100 की कास्ट, ऐसे निकलेगा लाभ, 900 रुपए आएगा आंसर इसका, जो सही आंसर था आपका नेपानगर की छात्रा द्वारा सही बताया गया। तो देखिए इस प्रकार के सवालों को आप पढ़िए कहाँ क्या पूछा है, और ये मैक्सिमम सवालों में इस प्रकार की चीजें दी हुई हैं आपको कि किसका लाभ 10% लेना है, विक्रय का लेना कि कॉस्ट का, आगे हम आपको ये बताएंगे कि सवाल में दी हुई आपकी ऑफिस कास्ट और पूछा उन्होंने टोटल कास्ट पे आपका प्रॉफिट है तो फिर कैसे निकलेगा, वो भी आगे की स्टेप आपकी आएंगी, या दे रखा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और आपसे पूछा है तो सेल्स पे निकालना और सेलिंग एक्सपेंसेस भी दिए हैं बीच में, तो कैसे हम प्रॉफिट की गणना करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये पहली स्टेप आप समझिए कि कास्ट पर दिया तो कैसे निकालना है और विक्रय पर दिया है तो प्रॉफिट की निर्धारण हमें कैसे करना है, यहाँ पर 900 रुपए आपका आंसर होगा जो कि नेपानगर की छात्रा द्वारा बताया गया।
जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने सवाल सही होने की संभावनाएं हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं सवाल को, ध्यानपूर्वक सुनेंगे नहीं, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इन चीजों को छोड़ के आएंगे, गलत करके आएंगे और घर आके फिर पछताएंगे कि हमने गलती कर दी, जबकि वास्तव में ऐसा होना था, वहां होना था, ये समझ में आ भी रहा था पर किया नहीं हमने। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए आप इन चीजों की, और आप अच्छी किताब से संपर्क कीजिएगा, अच्छी किताब से सवाल कीजिएगा, रेफरेंस बुक कुछ डिस्प्ले हो रही है आप इनसे देखिए, ML अग्रवाल की किताब है, ओसवाल माहेश्वरी जैन की किताब है, एक और अग्रवाल की किताब है, RS अग्रवाल की किताब है, आप इन किताबों से संपर्क कीजिएगा, इन किताबों से पढ़िएगा, और किताबें भी नई हो, बहुत पुरानी किताब से मत पढ़िएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ठेका खाते में कुछ परिवर्तन आया है आगे की यूनिट्स में, तो हम नई किताब साल दो साल पुरानी 2013 में जो कंपनी एक्ट में परिवर्तन आया है, कई प्रकार के परिवर्तन सरकार द्वारा समय समय पर किए जाते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नए आ गए हैं, तो हम इन बुक से कंसल्ट करें, उनसे हम पढ़ें ताकि हमारा सवाल सही हो। आपने ध्यानपूर्वक सुना, धन्यवाद।